आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं वीकेंड चर्चा। चर्चा है जातिगत समीकरण की। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उत्तर प्रदेश की राजधानी में 25 मार्च को भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और योगी सरकार में 52 मंत्रियों ने शपथ ली, तो उसमें कई गुणा गणित बैठाए गए, समीकरण बनाए गए ताकि आगे 24 की तैयारी भी की जाए, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं 24 की तैयारी के तौर पर माना जा रहा है। इसे 5 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश का ही नहीं, 2024 का कार्यकाल भी कहीं कहीं बनाते हुए देखा जा रहा है कि जो इस बार मंत्री बने हैं उनके द्वारा 24 में भी कहीं ना कहीं तैयारी देखी जा रही है। अगर बात करी जाए मंत्रियों की, तो इन मंत्रियों की जो सूची है उसमें 20 ओबीसी, वहीं महिलाओं की बात करी जाए 5 महिला, 2 सहयोगी दल से बनाए गए हैं, 7 ब्राह्मण चेहरे हैं, 6 क्षत्रिय चेहरे हैं, 1 मुस्लिम चेहरा भी है, 4 वैश्य मंत्री हैं, 8 दलित, 1 कायस्थ, 1 सिख, 2 भूमिहार, 16 पश्चिमी यूपी से हैं, तो वहीं 6 मध्य यूपी से हैं, 6 अवध क्षेत्र से हैं, 5 रुहेलखंड से हैं, 15 पूर्वांचल से हैं और 4 बुंदेलखंड से हैं। तो जो समीकरण बैठाया गया है हर एक जाति वर्ग को देखते हुए बैठाया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश के चाहे चारों कोने हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, या फिर मध्य हो, या फिर जो है जातिगत आधार हो, हर चीज को देखते हुए इन सभी चेहरों पे मंथन करने के बाद ही मोहर लगाई गई है। 15 दिन का समय लिया गया शपथ ग्रहण समारोह में, ताकि हर एक मंत्री के ऊपर विचार विमर्श करने के बाद, उनके काम को देखने के बाद, उनके रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद ही सभी के नाम चुने गए हैं। तो वहीं कुछ चेहरों को हटाया भी गया है, उन चेहरों को हटाया गया है जिनका या तो कार्यभार बढ़ाना है या फिर कार्यभार घटाना है। तो इन सभी चीजों पे हम चर्चा करेंगे कि इसका कितना असर पड़ने वाला है आने वाले चुनावों पे, और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, दिलीप यादव जी हमारे साथ प्रसपा से प्रवक्ता जुड़े। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विजय दुबे जी, आप किस तरह से देखते हैं जो ये मंत्री बनाए गए हैं, चुने गए हैं, इन मंत्रियों के चेहरे कितना असर डालेंगे 2024 के चुनाव पे? जनता पार्टी एक इलेक्शन पूरा करती है और दूसरी की तैयारी के लिए जुट जाती है जी। और जो ये मंत्रियों के सिलेक्शन की बात आप कह रहे हैं, असल में पूरी जो पॉलिटिक्स है वो जातिगत समीकरणों पे उत्तर प्रदेश में आधारित है, बिहार में भी यही स्थिति है ऑलमोस्ट जी। और जब स्थिति ऐसी हो तो हर दल अपने लिए जो है ऐसे नेता खोजता है जो उस जाति को प्रभावित करते हो या उस जाति पे अपना प्रभाव रखते हो जी। और भारतीय जनता पार्टी भी उसी लाइन पर चल रही है, क्योंकि उसे भी उत्तर प्रदेश में ही राजनीति करनी है। बिल्कुल। तो अगर आप देखें तो जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें 8 ब्राह्मण हैं, 8 जो हैं वो अनुसूचित जाति के भी मंत्री बनाए गए हैं और 8 जाट मंत्री समुदाय से आते हैं। तो ये जो है, ये जो समीकरण है ना, ये जो है सारे लोगों के साथ में जो है हर समुदाय को बांध के रखना अपने साथ में, उसके वोट बैंक को छिटकने नहीं देना है जी। तभी तो जो फिगर आज जो भारतीय जनता पार्टी के बाद वोट परसेंटेज जो है वो 41.27 के आसपास जा रही है। तो जब इन सारे समुदायों का वोट मिलेगा तभी जाकर के आप इतना वोट परसेंटेज जुगाड़ सकते हैं जी। अब जो सवाल है वो ये है कि तैयारी किसकी है और मिशन क्या है। हर पार्टी इसके लिए अपनी तैयारी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर रही है, और जो जातिगत समीकरण है उसको साध करके ही आप उत्तर प्रदेश का, या मैं कहूं कि भारत के होने वाले महाचुनाव का या संसद के चुनावों के लिए अगर तैयारी करनी है और आपको अधिक से अधिक परसेंटेज अपने साथ जोड़े रखना है तो आपको जातिगत समीकरणों को साधना होगा। और यही आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति का आधार रह गया है तो भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। और कुछ चीजें हैं, अभी देखिए पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री परिषद की हुई है और उसने जो चीजें ऐसी थी जिनसे कि आगे वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखा जा सके वो निर्णय लिए गए हैं। अब वो चाहे राशन की बात हो या कोई और बात हो, लेकिन अभी बहुत सारे निर्णय करने पड़ेंगे। अभी तो ये पैर जो है एक कदम ही आगे बढ़ा है, अभी दो साल में बहुत लंबा पीरियड है और अभी बहुत चुनौतियां भी होंगी, बहुत सारे सवाल भी खड़े होंगे, उन सारी चीजों के लिए हाजिर होना पड़ेगा। क्योंकि जब जनरल इलेक्शन होते हैं तो वो एक क्षेत्रीय स्तर पर नहीं लड़े जाते हैं जी। वो
पूरे हिंदुस्तान भर के हर इलाके को साधने की जरूरत पड़ेगी, हर राज्य को साधने की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखना होगा कि एनडीए कैसे लड़ता है और जो है यूपीए जो पिछला था वो कैसे लड़ता है या और कौन सा फ्रंट सामने आता है, ये सब अभी जो है मतलब भविष्य के गर्भ में है और इनको देखना बड़ा रोचक होगा कि किस प्रकार से लोग सामने आते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए जो दावा किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री का मैंने बयान सुना, वो तो कह रहे हैं कि जो है अब 75 सीट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो 75 के लिए कर रहे हैं कि 80 के लिए, वो एक अलग विषय है। जी बिल्कुल, चुनाव की तैयारी तो कर दी और ऐसा भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा ही चुनावी मोड में रहती है। विवेक जी, जिस तरह से महिलाओं को भी मतलब मंत्री पद दिया गया है, कैबिनेट में जगह दी गई है, युवाओं पर भी भरोसा जताया गया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही आगे बढ़ाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं, क्या महिलाओं को युवाओं को साधने की एक कोशिश है? देखिए शिखा जी, योगी जी का जो मंत्रिमंडल है जी, इसमें वरिष्ठ लोग भी हैं जिनके अनुभव से सरकार चलेगी, युवा भी शामिल हैं जिनके जोश भी सरकार में दिखाई देगा जी। महिलाएं भी शामिल हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व भी दिया गया है और सर्व समाज के चेहरे इस मंत्रिमंडल में दिख रहे हैं जी। और ये बहुत ही संतुलित और प्रदेश को सब समाज को मिलजुल करके विकास के पथ पे लेके चलने वाला मंत्रिमंडल है जी। और जैसे भी विजय जी ने चर्चा कर रहे थे, तो जो राशन वाली जो का जो फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने, पहला फैसला तो जनता के हित में है, ये फैसले जनता के हित में लेने वाला मंत्रिमंडल है। और जिस तरह से भी उत्तर प्रदेश की जनता के समाज के अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति को लाभ पहुँचे, उसके फैसले इस मंत्रिमंडल में लिए जाएंगे जी। तो बिल्कुल हर किसी को मौका तो दिया ही गया है और साथ ही हर वर्ग विशेष पे ध्यान दिया जा रहा है। दिलीप जी, सबसे ज्यादा ब्राह्मण, उसके क्षत्रिय, फिर दलित, इन तीन की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है इस कैबिनेट में, किस तरह देखते हैं? शिखा जी, जो योगी मंत्रिमंडल 2.0 की शुरुआत हुई है जी, इसमें जो है जो सामाजिक न्याय की बात है, लोगों के जो है मंत्री बनाए जाने की बात है, वो पूरी तरह से जो है छलावा हो गया है। क्योंकि एक तो हमारे मित्र कह रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी के प्रतिनिधित्व का मामला है, तो कहाँ पांच ही महिला जो है मंत्री बनाएंगे, आधी आबादी कहाँ गई? दूसरी बात जो है, सबसे ज़्यादा इसमें जो है ब्राह्मण क्षत्रिय ये बनाए गए हैं। हाँ, तो आप देखें तो जो है ये एक तरह से जो है ब्राह्मणों या क्षत्रियों का जो है मंत्रिमंडल कहा जाएगा। साथ में जो है जो और भी जो है ओबीसी की जातियां, आप जो है जिस हिसाब से जो है जिसका परसेंटेज है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व देना चाहिए, वो नहीं दिया गया है। राशन की बात जैसे विजय दुबे जी ने कहा, सही बात है, लुभावने जो है सपने हैं, वो 2022 में जो है इलेक्शन जीत गए हैं, 24 की ये तैयारी कर रहे हैं, अभी से एक इलेक्शन बीता नहीं दूसरे की तैयारी करना चालू कर देते हैं जी। तो सिर्फ ये छलावा है कि जो है मंत्रिमंडल जो बनाया गया है ये पूरी तरह से जो है भागीदारीता नहीं सुनियोजित की गई है, जो है सुनिश्चित की गई है, अब आगे क्या होता है वो अलग की बात है जी। और जिस तरह से अखिलेश ने केंद्र से दूरी बनाई और मुख्य रूप से राज्य की राजनीति करने के लिए आ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बना दिए गए हैं, तो आगे की रणनीति क्या होने वाली सपा की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन का एक हिस्सा हूँ, एक हमारा अपना अलग दल है जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। मैं इसके लिए जो है मैं वो कहना नहीं चाहता, जो है हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो भी निर्णय करेंगे, मैं आधिकारिक रूप से जो है मैं अथराइज नहीं हूँ, तो इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता जी। लेकिन जिस तरह से कार्यभार की बात है, अखिलेश ने अगर देखा जाए, शिवपाल ने अखिलेश के सिंबल पे चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर मनमुटाव देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उनको बुलाया नहीं गया बैठक में, तो अनबन एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। लेकिन हिस्सा तो आप भी हैं, अभी भी हिस्सा है, तो लेकिन सपा प्रसपा जिस तरह से मिली जुली है, तो क्या आगे का रणनीति बदलेंगी या वाई एम फैक्टर पे ही सीमित रहेगी? ये दोनों
राष्ट्रीय अध्यक्षों के आपस का मामला है, उस पे जो है मेरा कोई टीका टिप्पणी करना उचित तो नहीं है जी। समय के साथ जो है जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी जो भी फैसला करेंगे कर रहे हैं जी, वो जो है पार्टी के हित में और जो है हमारे पार्टी के लोगों के हमारे जनमानस तक जो है जो बातें हैं वो जा रही हैं जी, उसमें जो है कोई इफ एंड बट नहीं है जी। विजय जी, जिस तरह से इस बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रिजेश पाठक को चुना गया, केशव प्रसाद मौर्य का कार्यकाल दोहराया है, तो वहीं ब्रिजेश पाठक जिनको एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में लाना था किसी एक दूसरे डिप्टी सीएम को, तो ब्रिजेश पाठक को चुना है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है वो ब्राह्मण वोट सबसे ज्यादा खींच के लाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं कि जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जातिगत होती नजर आ रही है, जातिगत समीकरण पे है, तो क्या ये सही बैठ रहा है, हर एक चीज सोची समझी हुई है? देखिए शिखा जी, डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र है, ये लोगों का तंत्र है, किसी व्यक्ति विशेष का डिक्टेट किया हुआ तंत्र नहीं है। तो लोग जिस प्रकार से इन पार्टियों को अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, जैसे वो तय करेंगे वैसी ही पार्टियां आपको चलती नजर आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में जो है, देखिए जातिगत व्यवस्था है जी, बहुत पुरातन है, आज कोई नई बात नहीं है इसमें, लेकिन अब जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं कहूं कि अगर हम टेक्निकली आगे बढ़ रहे हैं, हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम अब जानकारियों के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन जब राजनीति में वोट बटोरने की बात आती है तो हम जाति की ओर बढ़ लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मुद्दों पे आधारित जो राजनीति, जिसकी आम जो डेमोक्रेसी का मूल भाव है, उधर क्यों नहीं बढ़ते हैं आखिरकार? ये क्यों एक मुझे, मैं कहूं कि अगर राजनीति में जातिगत समीकरणों से उसका क्षरण हो रहा है, मुद्दे आधारित राजनीति क्यों नहीं रह गई है और उसकी ओर पार्टियां बढ़ती क्यों नजर नहीं आ रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में। डेमोक्रेसी सिस्टम जो हमारा है, हम कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को हम चलाते हैं, लेकिन हम कैसे चला रहे हैं, उसमें उसकी गुणवत्ता क्या है और किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अगर हम पहले अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखना चाहते हैं, जैसे हमारी आवश्यकता अगर आज की डेट में हमारा रोजगार है, हमारी और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। जाति जो है वो मैं मानता हूं कि सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन इसका ठीक उल्टा हो रहा है, आज की डेट में जाति प्राइमरी हो गई है और मुद्दे सेकेंडरी हो गए हैं, और मुद्दों का सेकेंडरी होना ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत करने वाला है। हम जब तक अपने लक्ष्य आधारित नहीं करेंगे तब तक हमारा विकास बाधित रहेगा, और ऐसी ही पार्टियां जातिगत आधार पर लोगों को सामने लेके आएंगी, वोट बैंक इनकैश करेंगी, आप जाति के आधार पर वोट डालेंगे और जो आपकी जो आवश्यकता है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट्स हैं, जो डिलीवरी सिस्टम है, वो इफेक्ट होता रहेगा और सरकारें जो है वो ऐसे ही बनती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरकार ने नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं, विपक्ष ने भी इसी तरह की राजनीति करी है। हर एक जब पार्टी इसी तरह की राजनीति कर रही है तो बदलाव कहाँ से हो रहा है? हमारा देश आगे बढ़ रहा है, डिजिटल हो रहा है, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं वही रुकी है। मंत्रिमंडल की बात करें तो वो भी 2017 की तरह ही दोहराई गई, बदलाव नहीं हो रहा है इसमें कुछ। देखिए शिखा जी, असल में जब हम साधने की बात करते हैं कि भाई फलाना नेता जो है वो ब्राह्मण फेस के रूप में ला गया, मैं असल में आप इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। जैसे बीजेपी का जो वोट बैंक है वो अपर कास्ट पहले से उड़ा रहा है उसके साथ में, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को वोट बैंक अपर कास्ट का जोड़ने के लिए अलग से प्रयास करना पड़ेगा जी। या जो सामान्य मतदाता है उसको तो वोट बैंक अपना बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, तो जो जुड़े हुए वोट बैंक है वो कहीं अभी बीजेपी से अलग मुझे ज्यादा नजर नहीं आते हैं, और जिनको जरूरत है जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको की आवश्यकता है कि निश्चित तौर पर उस वोट बैंक को वो साधने के लिए ऐसे लोगों को सामने लाए जिससे कि वो उनके उनसे छिटके रहें, तो वो प्रयास करें तो बात समझ में आती है। लेकिन जो जिस पार्टी के साथ में एक लार्जर वोट बैंक है, एक बड़ा शेयर है मतदाताओं का उसका जुड़ा हुआ है, तो उसको ये कहना कि हमें जो है एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ब्राह्मणों को साथ सके, और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो क्षत्रियों को साथ सके या दलितों को साथ सके, तो ये यहीं से जाकर के चीजें बदलनी चालू हो जाती हैं। और जब एक बड़ी पार्टी ये सिस्टम डेवलप करके दिखाती है सामने, तो दूसरे लोग उसको, सीधी सी बात है, उसको फॉलो करेंगे, उसी सिस्टम पे आगे बढ़ेंगे। तो जागरूकता जो है वो लोकतंत्र की, आप कहें, मैं कहूं कि नींव है,
वो जागरूकता लोगों तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है, और लोगों को प्रियोरिटी सेट करनी होगी। जो मतदाता है वही तय करता है लोकतंत्र में, और वही सर्वे सर्वा होता है, वही भाग्य विधाता होता है। तो ये मतदाताओं के पास में जागरूकता और जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड मैं कहूं कि होना होगा, और आपको अपनी पुरानी चीजों से बाहर निकल के खड़ा होना होगा, तभी आप उत्तर प्रदेश को जो है कह सकते हैं कि यहाँ उद्योग पनपेंगे, यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, और यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके वहां उपलब्ध होगा। तो ये सब चीजें तभी होंगी जबकि हम वैल्यू एडेड सिस्टम डालेंगे, उनकी 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 एक वैल्यू होगी, और हम ये कहेंगे कि नहीं, ये हमारी प्रायोरिटी है, और हम तभी आपको वोट देंगे जब हमारे यहाँ ये सब चीजें उपलब्ध होंगी, नहीं तो अगली बार हम आपको हटा सकते हैं। इस बात का डर होना चाहिए सत्ता पक्ष में। जी बिल्कुल विवेक जी, जातिगत समीकरण बनाए जा रहे हैं, तैयारियां तो चल रही है, लेकिन मुद्दों पे कितना फोकस किया जा रहा है सरकार द्वारा? देखिए सिखा जी, 2022 का जो संकल्प पत्र हम लेके आए थे जी, उस संकल्प पत्र को सामने रख करके हम उस पे काम करने जा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि आप 100 दिन की, साल भर की अपनी पूरी एक एक दिन की रिपोर्टिंग तय करें, उस लक्ष्य आधारित कार्य करें जी। और उस लक्ष्य आधारित कार्य की संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार में डाली जा रही है, और उसी पे हम आगे काम करने जा रहे हैं। तो रही बात जो मुद्दे हम लेके आए थे और जो हमारा एजेंडा, हम उन एजेंडों पे काम करेंगे, और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पे ले जा करके जो हमें एक बीमार प्रदेश मिला था उसको हम आगे ले जा करके विकास के पायदान का नंबर एक प्रदेश बनाएंगे जी। मुद्दे तो बहुत है लेकिन उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है, और जिस तरह से ये बात देखने को मिल रही है दिलीप जी कि कहीं कहीं ना कहीं अनबन देखने को मिल रही है, जब भी सपा की तरफ से गठबंधन किया जाता है चुनाव हार जाते हैं गठबंधन तोड़ देते हैं, हालांकि आरएलडी को बोल दिया है, आरएलडी की तरफ से बयान सामने आया है कि जो गठबंधन है वो बना रहेगा, लेकिन प्रसपा का क्या, क्या प्रसपा के साथ गठबंधन बना रहेगा? जिस तरह से अनबन देखने को मिल रही है तो अच्छा खासा वोट बैंक लेकर आए हैं शिवपाल भी, तो इस तरह से नजरअंदाज करना क्या सही है? देखिए पहला तो हम जो है योगी मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो हम उसी मुद्दे पे ही बात करेंगे, अन्यथा दूसरे तरफ नहीं भटकेंगे, नहीं डिबेट जो है दूसरे साइड में चला जाएगा जी। मैं योगी मंत्रिमंडल की बात लेकिन कर रहा हूँ, चीज पे बात करना जरूरी है नहीं मुझे लगता है कि वो जो है दूसरा समय होना चाहिए जी। आप एक चीज देखें कि जो है जातिगत में जो है जाएंगे तो जो ये सरकार भाजपा सरकार पहले कहती थी 2017 से पहले की जो है यूपी में जो है यादवों का जो है मुसलमानों का जो है ये सरकार है यादवों के लिए, तो वही जातिगत सरकार है कि इन्हें वही चीजें सेम बीजेपी भी कर रही है, बीजेपी भी अलग अलग जातियों के लोगों को जो है उनके लीडर को जो है पकड़ रही है और उनसे जो है वोट बैंक की राजनीति करके जो है सत्ता में आ रही, तो ये अछूते नहीं रहे। जो सब्ज बाग इन्होंने दिखाया था कि फला पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा जो भी हैं वो ऐसी जो है जातिगत राजनीति करती हैं और जो है हम उससे अछूते हैं, हम ऐसा नहीं, सभी के लिए जो है सामाजिक न्याय की बात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की बात कर रही है, न ही जो है जातिगत जो है व्यवस्थाओं पे जो है आधारित ही जो है व्यवस्थाएं कर रही है। वो भी तो इसी आधार पर ही थे, गठबंधन गठबंधन उसके जाति के आधार पे नहीं था, गठबंधन जो है पार्टियों के ऊपर था, जो है आरएलडी से था, जो है समाजवादी पार्टी से तो था। स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो उनके साथ क्यों शामिल कर लिया गया, उन्हें क्यों शामिल कर लिया? स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है वो गए थे बसपा से जो है बहुजन समाज पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन्हें सम्मान नहीं मिला, अब वो जो है फिर वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। और रही बात जिसको जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएगा, बहुत से लोग जो है, लेकिन राजभर समाज के वोट के लिए ही तो उनको शामिल किया गया था आपने अपनी तरफ। किसको? ओम प्रकाश राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को जो है शामिल किया था अखिलेश यादव जी ने जी। तो वो जो है वो उनको सम्मान नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी में, वो मंत्री थे, मंत्री के बावजूद नहीं, मंत्रिमंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर जी जो है एक पिछड़े के चेहरे के रूप में थे, मंत्री बनाए गए थे, लेकिन जो है मंत्री का जो है जो दायित्व था वो जो है पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे थे, उनको जो है वो छूट नहीं दी गई थी, इस वजह से वो जो है छोड़ के चले आए, दूसरे साथ जो है गठबंधन कर लिया जी। लेकिन आपको ये बात माननी तो पड़ेगी कि इसमें आप भी शामिल है, जिस तरह से जातिगत राजनीति हमारे ऊपर आप भी उसमें शामिल, हम पहले थे
हम पहले थे तो, क्या आप नहीं, नहीं, अलग हो चुके हैं? अगर नहीं, हम पहले जो है जो हम पे जो है जातिगत जो है आरोप लगते थे, हम पहले थे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो है हम स्वच्छ राजनीति करेंगे, जाति के नहीं करेंगे, गुंडों की नहीं करेंगे, सारी चीजें तो जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडों की जातिगत सारी जो है तिकड़मबाजी वहां कर ली। तो हमारे पास रहा क्या? ये आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी, जातिगत पार्टी जी, पूरी तरह से जातिवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है जी। सपा की बात करें, वो किसकी राजनीति करते हैं? सपा बसपा जो है, मैं बसपा की बात नहीं करूंगा, समाजवादी लोग, मैं प्रसपा की बात करी, समाजवादी लोग जो है समाजवाद की जो है अवधारणा पे चलते हैं और समाजवाद की बात करते हैं, इक्विवेलेंट की बात करते हैं। लेकिन MY फैक्टर की जो बात कही जाती है उस पे क्या कहेंगे? कौन सा फैक्टर? MY फैक्टर। MY फैक्टर जो है रहा ही नहीं, कहां पे MY फैक्टर रहा? आप बताएं, हमारे पास जो है बहुत से यादव जो है बीजेपी में भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, वहां से बहुत से जो है सवर्ण हमारे पास भी आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, MY फैक्टर कुछ नहीं रहा है जी। ये सिर्फ तो 125 सीटें कहां से आई, जो कि इतना अच्छा खासा आपने चुनौती दी है बीजेपी को, कम जितने आंकड़े सामने आए हैं, तो जो चुनौती दी बीजेपी को कम, काफी कम अंतर से सपा प्रसपा का गठबंधन जीता है, तो वो कैसे आ गया अगर MY फैक्टर काम नहीं किया तो? मैं बताऊं कि जो है जनता जागरूक हुई है जी, बेरोजगारी की मार, भ्रष्टाचार की मार, महंगाई की मार, शिक्षा की मार, चिकित्सा की मार, इन सब मार से जो है त्रस्त होके सभी लोग जो है समाजवादी गठबंधन को जो है वोट किया है। इस वजह से हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं जी। जी विजय जी, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष हमने दोनों की बात सुनी, तो क्या आपको क्या लगता है, क्या ये जो राजनीति, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए क्या? इसी तरह की राजनीति चलनी चाहिए? सब करते तो राजनीति जाती गते, लेकिन स्वीकारता कोई नहीं है। ठीक है, अब जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो पूरे देश के चुनाव हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो अभी स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे और स्टेट के अलग अलग जाति और हिस्सों को साधना था, तो वो एक जो है फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब भाई दिलीप जी कह सकते हैं मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि ओबीसी साधने के लिए उनको किसकी जरूरत पड़ी, वो उसको लेके आए, उनको जो है अगर राजभर को अपना हिस्सा बनाना पड़ा कॉम्बिनेशन का, तो वो क्यों आए? अब ये सब चीजें मतलब आज तो पीछे भी चली गई, दूसरी बात है कोई अननोन नहीं रह गई, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। हाँ, लेकिन हर समाज हर जाति का इसके इस लोकतंत्र में भागीदारी है और उसका हिस्सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसको वो रिप्रेजेंटेशन भी मिलना चाहिए। तो कारण ये है कि वो भी इस आबादी का हिस्सा है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है, और वो भी ये चाहता है कि हमारे लोग सत्ता में हमारा प्रतिनिधित्व करें, जिससे हमारे जैसे समाज और जाति की बात की जा रही, तो जब समाज और जाति के भी विकास होगा तो कम से कम देश और प्रदेश का विकास होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी विकास की होनी चाहिए, प्रायोरिटी जो है वो धर्म और जातिगत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं होते हैं, और हम ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अगर देश के भीतर भी कभी कोई प्रायोरिटी में देखा जाए, तो ये तो जरूर कहते हैं हम कि केंद्र की सत्ता का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होके जाता है। मैं ये कहूं कि विकास का रास्ता भी कल अगर उत्तर प्रदेश से होके जाए, तो ये कितनी डेमोक्रेसी में हमारी प्रायोरिटी हो, मतलब हमारी वो बढ़ेगी, देश में हमारी कितनी लोगों के बीच रीच पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश के लोग और लोगों को इन्वाइट करेंगे कि आइए आप हमारे यहाँ काम करिए। अब उत्तर प्रदेश के आदमी को दूसरे राज्यों में जाकर के ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमें रोजगार दीजिए, तो ये स्थितियां कब आएंगी? ये डेमोक्रेसी कि जो रिफाइंड वे है, जो मतदाता है वही तय करेगा, उसको जातिगत समीकरणों को नकार के मुद्दों आधारित राजनीति करनी पड़ेगी, तभी जाके हम उन गोल्स को अचीव करेंगे और तभी हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे, वहां सब खुश होंगे, मुझे समझता हूँ किसी को नाराजगी नहीं होगी, कब की क्योंकि उनका बेटा उनके पास होगा, उनके घर में अपना काम होगा, किसी और के यहाँ काम करने के लिए नहीं जा रहा। जी बिल्कुल दिलीप जी, विजय जी एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या जैसे आपने कहा कि जो है समाजवादी में लोगों को लाया गया अलग अलग जातियों के, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो है ये काम नहीं हुआ? आप बताएं हमें। नहीं, सारी पार्टियां करती हैं जी, क्योंकि मेरा कोई आरोप नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आपने सवाल का जवाब उतनी निष्पक्षता से नहीं दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। हर पार्टी ये काम करती है, ये कैसे हो सकता है कि जिस जिस जाति और जिस समाज को जोड़ना हो उसके नेता को आप लेके नहीं आएंगे और उसको टिकट, अगर भाई देखिए
कोई भी सोसाइटी चाहती है कि उसका आदमी वहां पहुंचे तभी जाकर उसका वोट बैंक जुड़ेगा वहां पे, तो इसमें गलत क्या है भाई? पॉलिटिक्स करने बैठे हैं या कुछ और कर रहे हैं भाई? राजनीति करने वाला हर दल वो हर रणनीति इख्तियार करता है जिससे कि वो वर्ग उससे जुड़ सके। तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन स्वीकारोक्ति भी ओपन होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। राजनीति को सभी करें स्वीकार करना चाहिए, मेन मेन विकास होना चाहिए सारे समाज का, चाहे वो जो है अपर कास्ट हो या जो है लोअर कास्ट हो, सभी का जो है विकास होना चाहिए, जो है प्रदेश के या देश के जो भी जो है जनता है सभी का विकास होना चाहिए जी, बिल्कुल सभी का विकास होना चाहिए जी। विजय जी, जी विवेक जी, जिस तरह से पूरे मंत्रिमंडल की जो सूची है वो सामने आ गई, मंत्रियों ने सीएम योगी समेत 52 मंत्रियों ने जिस तरह से शपथ ली है, लेकिन उसमें एक मुस्लिम चेहरा है। पिछली बार जिस तरह से 2017 में था, इस बार भी बस उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, इसकी वजह हम जानना चाहेंगे। एक चेहरा रखना जरूरी है, टिकट देंगे नहीं, लेकिन हाँ मंत्री जरूर बना दिया आपने, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जो युवा था जिसमें जोश था, जिसमें कुछ करने की ललक थी, उसको मौका दिया गया। जो इसके पूर्व में थे उन्होंने भी काम किया, अच्छा काम किया। हमारे यहाँ रोटेशन का सिस्टम चलता है, कुछ लोग संगठन में आते हैं, कुछ संगठन से सरकार में जाते हैं, तो ये चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज उन्हें मौका मिला, कल उन्हें मिला था, कल किसी और को मौका मिलेगा। इस तरह के मौके लोगों को दिए जाते रहते, लोग अपने उस मौके पे अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन माना तो ये जा रहा है कि जो आपने दानिश अंसारी को जिस तरह से टिकट दिया है, वो भी एक पिछड़े और वो भी मुस्लिम समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ों और मुस्लिम समाज को भी साथ लेकर वोट बैंक बढ़ाकर चलना चाहती है बीजेपी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पे चलती है। हम समाजवादी पार्टी की तरह कोई वर्ग विशेष की नियुक्ति भर्ती घोटाले नहीं करते जी। हमारे यहाँ जो भी होगा निष्पक्षता से होगा, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्राप्त करने की हमारी चेष्टा रहती है। बात करी है विवेक जी, बात यहाँ पे ये भी आती है, सवाल ये भी उठता है कि टिकट क्यों नहीं देते हैं? विपक्ष हमेशा यही बात कहता रहता है कि आप टिकट नहीं देते वर्ग विशेष को, लेकिन आपने मंत्री जरूर बना दिया। देखिए, टिकट हर व्यक्ति हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम जीतने वाले को दे जी। तो हमारे यहाँ से जो तो क्या वर्ग विशेष में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो जीत सके बीजेपी से? मेरी बात सुन तो लीजिए, हमारे यहाँ भी सर्वे होते हैं, तमाम एजेंसियाँ भी करती हैं, आंतरिक सर्वे भी होते हैं, उसमें हमें जो व्यक्ति जीतता दिखता है हम उसके ऊपर पार्टी टिकट देती है उसको। तो ये पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है किसको टिकट दे किसको ना दे, जिताओं को देती है, सब लोग जीतने वाले को देना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी ने कोई हारने के लिए तो लोगों को टिकट बांटे नहीं थे जी। ये बात और है कि जनता जनार्दन ने उनको हार का मुंह दिखा दिया, अनफिट कर दिया जी। तो रही बात, हम भी अपनी हम अपना प्रयास करते हैं, विपक्षी भी अपना प्रयास करते हैं, तो उसमें जो जीत के आता है वो सरकार का पार्ट बनता है जी। दिलीप जी, आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं कि जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसी को दिया जाता है टिकट, तो जो वर्ग विशेष के लोग हैं तो उनको इसलिए टिकट नहीं मिलता बीजेपी की तरफ से? देखिए, एक बात है, जहाँ तक प्रतिनिधित्व का मामला है जी। जो हमने कहा कि जो है प्रतिनिधित्व सभी का समान होना चाहिए और सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए, 41.27% इन्होंने जो है इस बार मतदान प्राप्त किया, अच्छा मैंडेट लाए, लेकिन जो है इनके यहाँ भी जो है वही आपने कहा वर्ग विशेष का जो है अवधारणा बनी हुई है, इनके यहाँ जो है परिवारवाद की अवधारणा बनी हुई है, इनके यहाँ जो है राजनाथ सिंह जी हैं उनके लड़के हैं, इसके अलावा कल्याण सिंह के जो है पूरा परिवार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मंत्री बनाया नहीं गया, राजनाथ सिंह के बेटे के नाम भी आगे आ रहा था कि मंत्री बनाया जाएगा, मैं एक ही बता दूं, बनाया नहीं गया जी, जी, नहीं उनको नहीं बनाया गया, लेकिन जो है विधायक तो है। इसके अलावा आप देखिए दूसरी चीज, संजय निषाद जी हैं, संजय निषाद जी के जो है बेटे भी हैं सांसद हैं, वो भी मंत्री, संजय निषाद भी बनाए गए। इसके अलावा गठबंधन दल, नहीं गठबंधन के गठबंधन हम ऐसे तो आप गठबंधन कहते हैं, ऐसे आप गठबंधन कहते हैं, नहीं तो जो है भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, तो सुने अपना दल भी, अपना दल भी अनुप्रिया पटेल जी भी वहाँ है, यहाँ भी मंत्री जो आशीष है, तो कहने का मतलब किसी गठबंधन के दल है जी, किसी चीज से जनता पार्टी के पार्ट नहीं है, आपके विचार को फॉलो करते हैं तभी आपके साथ है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, विचारधारा मैं आपके विचारधारा को फॉलो करते हैं, बात करी जाए तो वो भी तो पूरी परिवारवाद की पार्टी है, एक ही परिवार से कितने चेहरे चुनाव लड़ते हैं, कहाँ कोई नहीं, इस बार के चुनाव में कोई नहीं रहा है, सपा परिवार, जिस सपा परिवार, सपा परिवार है वो तो पूरा ही परिवार चुनाव लड़ता है, कोई नहीं है, एक जो है
अखिलेश जी जो है चुनाव लड़े, दूसरे जो है चाचा जी जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़े, इसके अलावा कोई परिवारवाद नहीं, सारे के सारे जो है सबको टिकट नहीं दिया गया। तो हम उसमें लेकिन चुनाव तो लड़ते हैं ना, पहले हुआ करता था, पहले हुआ करता था, लेकिन अब तो हमने उस चीज को गुंडों के जो है, धर्मेंद्र यादव सांसद है कि नहीं है? नहीं है। कह दीजिए लोकसभा में नहीं लड़ाएंगे, कह दीजिए परिवार से लोकसभा में नहीं लड़ाएंगे, परिवार से कहिए ना, नहीं ये हमारा वो नहीं है, ये हमारा फिर ये परिवारवाद की बात है, परिवारवाद आपके यहाँ, हम कोई कहिए ना कि परिवार से किसी को नहीं लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी का जो है मैं तो पदाधिकारी नहीं हूँ, करके बगल हो जाइए, फिर मैं दोनों के लिए नहीं, दोनों घर नहीं, समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का नहीं, मैं प्रस्ता का हूँ, एक घर से बात करिए, ये कह रहा हूँ सीधे सीधे समाजवादी गठबंधन में सिर्फ आप कहिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी परिवार में सिर्फ दो ही व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़े, एक अखिलेश यादव माननीय अखिलेश यादव जी लड़े, दूसरे जो है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी लड़े, इसके अलावा कोई परिवारवाद नहीं वहाँ पे। लोकसभा चुनाव की बात करी जाए तो क्या उसमें नहीं लड़ेंगे, डिंपल नहीं लड़ेंगी चुनाव? ये जो है पार्टी के जो है निर्णय जो होगा वो सर्वमान्य होगा, तो स्वीकार है तो करिए, अगर दूसरी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये भारतीय जनता गुंडे की पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पूरे के पूरे 2014 से लेके 2017 और 2019 सारे में जो है गुंडे आ गए, सारे परिवार के लोग आ गए। हम ये कहते हैं अगर आप जो है परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद को जो है तोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपने कदम उठाने के लिए कहा है जी, तो आप उसको पूरा करिए, आप नहीं पूरा कर पाते तो दूसरे पे जो है तोहमत लगाने की कोशिश न किया करिए, गलत है जी। आपको जो है करनी और कथनी जो है जनता जान चुकी है, जनता जानी है, इसीलिए जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, आप जनता भी जानती है, आप 35 सीट, जनता भी जानती है, आप 35 सीट का सपना देख रहे थे, भतीजे ने एक सीट दिया, जनता ने विधानमंडल की बैठक को नहीं बुलाया भतीजा, हमने फिरकापरस्त ताकतों को जो है रोकना चाहूंगी, फिरकापरस्त ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए जो है एक सीट पे हमने जो है समझौता कर लिया। विजय जी 35 का सपना देख रहे थे, भतीजे ने एक सीट पकड़ाई, वो भी विधानमंडल दल के बैठक में नहीं बुलाया, इसके बावजूद भी कभी इधर से कभी उधर से दोनों घर से जवाब दे रहे हैं। ये इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर जो चाचा बयान ये चर्चा है, ये ओपन जो भी इंटरनल मैटर है, चाचा प्रेस के सामने अपना दर्द बता रहे हैं, आप चाचा प्रेस के सामने अपना दर्द बता रहे हैं, ये कह रहे साहब इंटरनल मैटर है, समीकरण पे आ रहे हैं 24 के इलेक्शन पे, आप जो जाए रहे हैं चाचा भतीजे, हम दोनों को रोकना चाहिए, हमें दोनों को रोकना चाहिए, बिल्कुल 24 की तो तैयारी दिखी नहीं, आप इस चीज को मान लीजिए कि आप जातिगत जो है वोट साधने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं सबको लेकर के, सबको साथ करके, गुंडों को 2024 में केंद्र प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, हम तो कह रहे हैं की जो है पार्टी है, हम तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्राप्त करके 2024 में केंद्र में हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं दोनों को ही रोकना चाहूंगी, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुक जाइए, दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगी, आपका परिवार बताइए, सभी के परिवार हैं, किसके नहीं परिवार, आपका परिवार शांति लल्ला बताइए ना, आपके राजनाथ सिंह के परिवार है, कल्याण राजनाथ सिंह के परिवार, क्यों नहीं, पंकज जी नहीं है, पंकज जी विधायक हैं, कार्यकर्ता को क्या चुनाव लड़ने हक नहीं होता क्या, कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता हो गए, जो मेरे साथ काम किया पंकज सिंह, बाप मंत्री है, बेटा विधायक बन जा रहा है, दोनों ही पार्टियों में परिवारवाद भी है और कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे, मैं दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी, विवेक जी, बिल्कुल दिलीप जी, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, अछूते नहीं है, जातिवादी पार्टी से अछूते नहीं है, पहले बताइए चाचा कल क्यों दुखी थे ये बताइए, पहले ये उनसे जाके पूछिए, चाचा ने कल बहाल दिया ना, हम ये कहते हैं आप बैठा रहा, मुझे बैठक में नहीं बुलाया, आप उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उसमें कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, आप उसपे जो है आप अपने राष्ट्रीय डिबेट के बारे में बताएं, चाचा की बात लेके पड़े हुए हैं आप, अपने राष्ट्रीय परिवार की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप जो है भ्रष्टाचार की बात ही नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात कर नहीं रहे, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बात कर ही नहीं, मैं दोनों ही मेहमानों को यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हमको मुख्य मुद्दे पे लौटेंगे, विधायक है आपके विवेक जी, हमारे विधायक विवेक जी मुख्य मुद्दे पे लौटेंगे, दिलीप जी
विजय जी, हमने दोनों पार्टियों का पक्ष सुना और दोनों ही पार्टियों में कई ऐसे चेहरे जिन पे आपराधिक मुकदमे भी है, परिवारवाद भी है, तो यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हर पार्टी जातिगत राजनीति करती है तो निष्कर्ष कहीं नहीं निकलेगा। और यही हम चर्चा का विषय लेकर आज आए हैं कि क्या इसमें सुधार होना चाहिए। जो राजनीति है वो पूरी तरह से जातिगत होती जा रही है, इसमें सुधार कैसे होगा? देखिए शिखा, ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो लोगों, मतलब दुनिया भर में एग्जाम्पल क्रिएट करे, तो आपको टारगेटेड पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। बट अब सवाल यह है कि हम दिलीप जी जो है वो विवेक जी पे आरोप लगा लें, और विवेक जी अगर दिलीप जी पे आरोप लगा लें तो इससे बात बनने वाली नहीं है। असल में कंट्रीब्यूशन हर हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर समाज को करना होगा, और तब जाकर के ये डेमोक्रेसी जो है इसका हम बेहतर उपयोग समाज के लिए कर पाएंगे, देश के लिए कर पाएंगे। और साफ सुथरी पॉलिटिक्स एक करनी होगी। हर वक्त, हर बार, हर चुनाव में आप अगर आंकड़े देख लें तो उसमें अपराधी भी मिलेंगे आपको, आपको परिवारवाद की चर्चा भी लगातार मिलती है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमारा, हम करना क्या चाहते हैं, लक्ष्य क्या है। केवल सरकार बना लेने से काम नहीं चलेगा, सरकार के बाद की क्या स्थितियां हैं, लोगों को जो चाहिए उसके डिलीवरी की बात होती है। तो आप ये तय करिए कि डेमोक्रेसी में एक साफ सुथरा हमारा आचरण होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम जो करना चाहते हैं उसका डिलीवरी सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वो लोगों के लिए होना चाहिए, वो किसी परिवार या व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। और यही डेमोक्रेसी है जिसकी लोगों का शासन कहा जाता है। तो आप डिलीवरी करिए और उसके बाद सत्ता में आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आपको चुन के भेजते हैं, निश्चित तौर पर चुनते हैं तभी आप आते हैं। और लेकिन जो डिलीवरी है, जो एक लोगों की जरूरतें हैं, लोगों की आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करिए, तभी जाकर के सिस्टम बेहतर होगा और इतिहास में उस पार्टी, उस मुख्यमंत्री, उस प्रधानमंत्री का नाम बहुत अच्छे से लिया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ में उसको इतिहास में दर्ज करेंगे। लोग कहेंगे कि हमारे साथ एक ऐसे प्रधानमंत्री होते थे जिन्होंने कि इस देश को इन जगहों तक पहुंचाया। आज भी देखिए, पक्ष विपक्ष की बात कर ना भी किया जाए, आज भी इंदिरा गांधी की जब बात आती है तो सम्मान के साथ उनको ये कहा जाता है कि साहब 71 के जो लड़ाई हुई थी तो हमने जो है, इंदिरा गांधी ने ये डिसीजन लिए और इस प्रकार से हमने ये कार्रवाइयां की, और वो उसको हम बड़े क्रेडिट के साथ कहते हैं। तो अगर हमने ये नारा दिया कि गरीबी हटाओ तो हमें गरीबी हटाने के लिए काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोगों की जेब में जो है कुछ करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए और वो मालमाल हो जाए और जो शेष जो जनता जिसने भेजा था वो अभी भी वैसे ही खड़े रहे, अभी भी नेताजी के पास आए और कहे कि साहब हमारे पास जो है, हमारे बिटवा को नौकरी नहीं मिली और हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। ये सब चीजें बड़ी मैटर करेंगी और बहुत लंबा समय नहीं, लोग जागरूक हो रहे हैं। आप ये ना समझिए कि बहुत समय तक पिछली पॉलिटिक्स का जैसे एक दौर खत्म हो चुका है, अब लोगों को आप झांसे में नहीं रख सकते। जी बिल्कुल, जनता भी समझदार हो रही है, कई मुद्दे भी जिन्हें उठाना काफी जरूरी है, सबका विकास जरूरी है और सबके साथ के लिए जातिगत आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय दुबे जी, विवेक श्रीवास्तव जी भाजपा से और दिलीप यादव जी प्रसपा से जुड़े थे। तो अहम मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो जातिगत होती जा रही है, लेकिन सबके साथ के लिए जाति पर ध्यान ना देकर विकास पे, रोजगार पे, अन्य मुद्दों पे ध्यान देना काफी जरूरी है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे एक बड़े अहम मुद्दे के साथ और बात करेंगे कि कैसे उसमें सुधार किया जाए, बदलाव किया जाए, पूरा विश्लेषण, पूरी चर्चा करेंगे। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।